नितेश सोनी के साथ आती है, इसको हमेशा जल्दबाजी रहती है। हम इतना स्ट्रगल करके एग्जाम देने जा रहे हैं, जब मैं फेमस हो जाऊंगी ना मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। कल हमारा आखिरी एग्जाम है, इसमें कोई आंसर नहीं आता। ये मेरी वैनिटी वैन है, यहाँ पे लड़ाई चल रही है। क्या पता हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कोई देख रहा है क्या? नहीं। तो आज भी हमारे एग्जाम है और आज है हम फिर से नितेश सोनी के साथ आती है, इसको हमेशा जल्दबाजी रहती है। तो दोस्तों आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, आज यहाँ पे 40 डिग्री है और अभी दिन के 1:30 बज रहे हैं। हमारे एग्जाम 2 बजे से 2 बजे, 40 से ज़्यादा है आज, 40 से ज़्यादा टेम्परेचर है और बहुत ही ज़्यादा बुखार है, आग लग रही है शरीर में, पर हम इतना स्ट्रगल करके एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। चलिए फिर। तो हम पहुँच चुके हैं कॉलेज और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? जब मैं फेमस हो जाऊंगी ना मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। अच्छा लग रहा है, गंदा लग रहा है, सब बताओ। अब क्यों नहीं आ रहा है? आज तूने हाय भी नहीं बोला। हेलो गाइस, अब हम वेट करेंगे देवरा चतुर्वेदी का, ये बहुत लेट करता है ये लड़का। हाय बोलो, ओए हाय बोलो। देव हाय बोल, हाय बोल, हाय बोल। इमोशनल डैमेज झाले, चलो। मैं लाइब्रेरी में आया सुबह पढ़ने। मैंने तो बोला था मैं 9 तेरे पास 11 बजे आऊंगा। हाँ तो 9 बजे से 11 बजे से मैं लाइब्रेरी में जाके सो गया। तूने पढ़ाई नहीं करी? लाइब्रेरी में नींद अच्छी आती होगी, शांति एकदम बढ़िया सी शांति। भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने कि देखा है। ये लगी अपनी टैनिंग बचाने के लिए। टैनिंग नहीं बचाना मैं तो फ्रॉइड। हाँ भाई फ्रॉइड थ्योरी जो भी है, यही तो है मेन जो बायो का। तू भी पढ़ने लग गया यार, ये तो कितने पूरे से हो। अबे साइलेंट करके रख रहा हूं तो आवाज ना आए इसकी कुछ। अच्छा और वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाला किस में था? ये कहाँ से आ गया ये? बता बता ना। अबे बेल वाले का जो है, बेल वाला तो बहुत कम किया। आज हमारा एस्थेटिक्स का पेपर है, स्कोप एंड ऑर्स एस्थेटिक्स। इसने सब पढ़ा है, हेगेलियन की मम्मी का नाम बता। हेगेलियन पहली बात नहीं है, हेगेल है उसका नाम। तू हेगेलियन है? हेगेलियन मम्मी है। तू तो हेगेलियन की मम्मी का नाम है। हेगेलियन मम्मी और हेगेल वो है। अरे अच्छा रुक जा, मेरे दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन। वो प्लेजर वाली थ्योरी किसकी थी? याद है मेरे को, याद है। ओए नाम याद नहीं, आर्टिस्ट के वैसे याद है मेरे को। फर्स्ट नेम याद करें, क्रॉस। तो मैं तो क्रॉस है पहली बात, वो क्रॉस नहीं है। तो गाइस मेरा तो हो चुका है एग्जाम और मेरे साथ वाले अभी तक लिख रहे हैं, दिखाती हूँ मैं। ये है विक्टर ने लिखा है अभी तक। मेरा नितेश सोनी ये भी लिख रहा है और देवी चतुर्वेदी इसी क्लास में। तो कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? बस चला गया। मैंने तो कुछ भी लिखा है, कुछ भी। हमारा जो एस्थेटिक्स का एग्ज़ाम था तो निपट गया कैसे तैसे करके। भाई किसी को कुछ भी नहीं, अब सारे तब भी लिखने में लगे पड़े हैं। सारे थ्योरी एग्ज़ाम्स ख़त्म। वैसे हमारे 3 ही थ्योरी एग्ज़ाम्स होते हैं, बाकी सारे हमारे प्रैक्टिकल होते हैं। तो बस 3 दिन की पढ़ाई होती है हमारी, बाकी सब प्रैक्टिकल, कुछ बनाने को आता है। तो चलो नहीं पढ़िए, कल हमारा आखिरी एग्जाम है। ये बहुत परेशान है, इसको कोई आंसर नहीं आता। वो कैसे बना रहा है? ये अपना नाखून चबा रहा है। आप
तो दोस्तों मेरे बाद देवराज चतुर्वेदी का एग्ज़ाम हुआ और अभी बाकी के दो नमूने अभी तक लिख रहे हैं। मेरा बहुत गर्मी हो रही है तो नितेश सोने का नहीं लिख दिया भाई कैसे गया नहीं पता होता मुझे तो भाई क्योंकि ये नहीं पता होता तू ना इधर से बस पढ़ के वही पता है अब तो सिर्फ कोई चीज पूछ रहा था ना मान ले कि कोई शब्द लिखा है मेरे जितना पैराग्राफ पूरा पूरे पैराग्राफ में वो शब्द होगा ही नहीं भाई मैंने कुछ भी लिखा है कुछ भी अब जिस क्वेश्चन में वो फिलोसोफर का नाम नहीं लिखा था ना उसमें भाई मैंने मैं ऐसा भी हो सकता है कि मैंने किसी और फिलोसोफर की थ्योरी की अब तो पूरा कंफ्यूज हो गया था मैं नहीं आता मुझे ऐसा नहीं है कि तो आज में पता क्यों गया था पूछने कोई बार में बच्चे बाहर गए उधर वाले टॉयलेट में क्यों गया फैकल्टी में बोल दिया कहते थे टॉयलेट में जाना पर मुझे एमबी मिल गया तो पर मैं रुकी भी थी। जब हम आने रहे थे तो एब्सोल्यूट आइडियलिज्म तूने बोला था तो मेरे को पता ही नहीं था मुझे नहीं पता मैंने कहा कौन सा तू नाखून कैसा क्या तेरा तू नाखून चबा रहा उसके समझ ही नहीं आया उसने क्या लिखा वो कह रहे क्यों जिसने पढ़ाया जब वो खुद कह रहा है कि मेरा पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आया तो तू कैसे कह सकता है कि उसका पढ़ाया हुआ आया तेरे जो जो तूने पढ़ाया था पूरा आया था वो लिख क्या मुझे बाकी का नहीं पता और एक चीज तूने जरूर लिखी होगी जो एब्सोल्यूट आइडियलिज्म ने बोला था मुझे नहीं आता अभी आते वक्त नहीं बोला था एब्सोल्यूट आइडियलिज्म जो लास्ट भूल तो नहीं गया था वो तो इसने बोला था कि इंपोर्टेंट नहीं आ सकता मैं साला हमारी बातें याद कर लीजिए मैं रुकता भी जा रहा जैसे का से मैं पढ़ लिखता हूं कैसे लग रहा है जैसे का से बोला लास्ट वाला क्वेश्चन आता था तू भी बैठी होने सुन तो जैसे का से पूछ रहा है मेरे को तो पूछ रहा है ऐसा लग रहा है लेके कोई टेढ़ा हो रहा है मुझे लग रहा है एक साइड से आगे जा रहा है नई बस लॉन्च हुई है उत्तराखंड रोड पे ये देखिए आप बोल उत्तराखंड रोडवेज जाइए अभी नहीं अरे नहीं अभी वो चेंज होगी ना अभी नंबर प्लेट तो आएंगे देखिएगा ये स्पेशली मेरे लिए बनाई गई है कोटद्वार जाने के लिए ये मेरी वैनिटी वैन है क्योंकि तुम लोग हो ना हाँ ये देखो ये मेरी बालकनी नहीं नहीं खुलती है वो अंदर से यार नीचे देखना उसके ये बना हुआ है नहीं चुप रहे खुलती है वो नीचे से तो अजीब सी लग रही है यहाँ पे लड़ाई चल अबे क्या पता पेपर के टाइम पे कर रहे हो बाद में नॉर्मली ना बोले क्योंकि हमारा जो कॉलेज है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है फेस आईडी के नाम पे एंट्री एग्जिट करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है यहाँ पे यार हम तो बंक ही नहीं कर पाएंगे कोई भी तो अब तो लास्ट सेमेस्टर तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बंक के लिए क्योंकि टीचर बैठे होंगे जो हमें रोज जाने देंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी बहुत दिक्कतें हो गई है गाइस आई एम टीचर पूछना बहुत ही गर्मी है बहुत सारे अपने ऊपर भी डाल दे पानी ला गाड़ी में कहाँ सूख गई है कुछ टाइम बाद इसमें पेड़ उगेंगे फिर फल फ्रूट बाय। तो दोस्तों मैं घर आ गई हूँ एग्जाम देके और आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी मतलब हद से ज़्यादा गर्मी है आज हद से ज़्यादा तो इसलिए ज़्यादा व्लॉग भी नहीं कर पाई बट होप यू लाइक इट मिलते हैं कल कल हाँ कल हमारा लास्ट एग्जाम है ओके गाइस टाटा बाय बाय।